अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 26 का वन है। इसमें हम पहले इससे ये प्रूफ करेंगे और इसके बाद इससे ये प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये वाला जो टर्म है इसको हम ऐसे उतार देते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। हमको लाना कितना है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहां पे हम देख रहे होंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, इसमें स्क्वायर का कमी है, इस वजह से हम यही वाला जो है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ऊपर नीचे लिखेंगे। ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ऊपर नीचे हम वही वाला लिख दिए जो था इसमें। अब इसमें तो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये दो बार हो गया, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दो दो बार आ रहा है, तो ये इसमें स्क्वायर हो गया। और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जाएगा, तो यहां पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है वन। तो सिर्फ यहां बच जाएगा कोसेक कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब हमको इससे ये वाला प्रूफ करना होगा, इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ते हैं। तो a स्क्वायर यानी कोसेक थीटा का स्क्वायर पहले होगा या थीटा हो जाएगा, पहले कोसेक थीटा का स्क्वायर मतलब की कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी मतलब की टू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है वन। हमको आंसर लाना है कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, तो हम यहां पे कोसेक स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये इधर आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर जो कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो आया है यहां फिक्स करेंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहां पे हो गया प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब ये हो गया वन प्लस एक एक दो, दो टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। यही प्रूफ करना था। अब इसी का क्वेश्चन नंबर टू बनाते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 26 का टू नंबर है, तो इसमें फिर से अब इससे ये प्रूफ करेंगे। तो ये वाला जो है उसको इसी तरह हम लिखते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसमें फिर से उसी तरह स्क्वायरिंग लाना है, तो ऊपर नीचे सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहां पर भी होगा और नीचे भी हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हम लोग खुद से करते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका स्क्वायर हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू वन होता है, सिर्फ यही बच जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब इससे हमको ये लाना है, तो अब इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ ब्रैकेट में हम रीजन डाल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब हमको आंसर लाना है टेन स्क्वायर थीटा में। हम लोग जानते होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे
sec स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वाला पुट करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और पहले से एक tan स्क्वायर थीटा है, प्लस 2 sec थीटा इनटू tan थीटा, यहाँ पे 1 हो गया, प्लस 1 1 2 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इनटू tan थीटा, बस यही प्रूफ करना था।